गुल्ला 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 की निकली बारात, ए गुल्ला 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 की निकली बारात। सला क्या आईडी भाई है, आधा काम मेरे को करना पड़ता। बस जल्दी से ना बहू आ जाए घर में तो मेरे को भी थोड़ा आराम मिलेगा। जरा अच्छे से साफ सफाई करो जी। हाय हाय, कहाँ गई थी कब से, गांव गस्ता आटा सस्ता करने, क्या फिरती तू, उम्र का तो ध्यान दिया कर, ये मुंह पे लगा ली लालिया, उम्र है क्या तेरी लालिया लगाने की, जा जाती शाम कर देती क्या। अरे तो क्या रिका में फिर रही थी मैं, रिका में फिर रही थी क्या। क्या रिका में फिर रही थी क्या, पाल उल्टाने गई थी क्या तू। हाँ जी आयरिन भी पहन ली, बहू के वास्ते लाए लेना वो। अरे बाप जूती भी, अब बहू के वास्ते लाए है मैंने वो, तेरी नितात फेड़ ले, लगा ले और लालिया। देखा तो कर उम्र का ख्याल करना, ऐसा लग रहा जैसे कि ने समोसे पे चटनी फेंक दिया। अरे घर में बाजार है खत्म हो गया था। अरे तुमको कुछ फिकर रहती के घर की। अब हाथ नीचे कर, मुंह तक हाथ ले आ रही क्या, मुंह फुट डालूंगा तेरा। मुंह आ रही क्या, मुंह तक हाथ टोच रही क्या, 26 साल से झेल रहा तेको मैं। खुद झूले झूला रहे तुम मेरे को, सुनने के निवाले खिला रहे ना तुम मेरे को। अरे तुम मेरे को 26 साल से नहीं झेल रहे, मैं तुमको 26 साल से झेल रही। अरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे मेरे को, वो तो बाबा की वजह से तुमको झेलना पड़ रहा, मेरे को अच्छे अच्छे पड़े हम तुम का खड़े। फिर एक बार सिर्फ बहू आ जान दे घर में, तेरा बिस्तर अगर बांध के नहीं बाहर फेंका ना, जब कहना मेरे को। अरे तुम क्या मेरा बोरिया बिस्तर फेंकेंगे, मैंने खुद तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के रखे ले, बस बाहर फेंकने की देरी है। हाँ अरे तुम्हारा मुंह देख के तो कोई बहू दे भी नहीं रहा था, अरे तुम्हारी तो छाव भी ना पड़ने दो बहू के ऊपर में। हाँ मैं तुमको एकदम समझा दे रही, अभी शादी घर है, चार तरफ के चार मेजबान आने वाले हैं। हाँ? जरा भी एड़े चाले करना मत, सारे गांव की फिकर तो मैं कुछ लेती, ये बाजार लाने भी तो मच गई थी ना। देखो गाँव वालों की मेहमानों की फिकर नहीं है, सिर्फ तेरे वालों की फिकर है कि खाएंगे यहाँ पड़े रहेंगे आठ आठ दिन यहाँ। सुन लिए ना उन्होंने कि मैं पोरिया की शादी निकाल रहा, अब छूटेंगे जब छूटेंगे, फोन लगा रही घड़ी घड़ी। उठा वो थैली बाजार की, घर में जा, अनछा बना मेरे वास्ते। जब देखो जब चा, जब देखो जब चा। अरे चा ढुसक ढुसक के तो शक्कर की बीमारी कर लिया ले तुमने, आधे पैसे तो तुम्हारी बीमारी में खर्चा हो जाते, हमको तो कुछ बचता ही नहीं, जाओ बैठो आराम से। चला औरत है कि अंगार है ये, एक बार बहू आ जान दो बस, देखता फिर मैं इसको। बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। क्यों चिल्ला रहे रे, कुत्ते ने काट लिया क्या तेको। हाँ कावड़ेल कुत्ते ने काट लिया मेरे को। माँ, ए माँ। क्या रे बेटा, क्यों इतने चीखा मार रहा, पूरे गांव को आगाजा कर रहा चीखा मार मार के। मैं आगाजा कर रहा, अरे मैं आगाजा कर रहा, अरे तुम दोनों को कुछ फिकर है क्या मेरी। अरे हुआ क्या ये कहे कि यही सारे पंचायता करता, पहले ही लोग अपने पे हंसने पे तुले ले। क्या रे गुलिया, अपने बाप के सामने इतनी बातें करते क्या। अरे हाँ बेटा जरा समझाओ रे उसको। अरे गुलिया हम वही ना अपने माँ बाप के सामने नीचे की मुंडी ऊपर नहीं करते, और तू अपने माँ बाप से मुंह चला रहा। अरे ओ डटेर भी जाले, सीधा रहो। अरे गुलिया एक टाइम मेरे बाबा से मुंह चलाते चलाते है ना उनका सर ही फोड़ डाला था मैंने। हाँ सिरवा चालू हो गया था उनका। हाँ ऐसा समझा रहे क्या सिरवा बाहर करने का, लोगों के घर ही बिगाड़ते फिरते गे रहे तुम। अरे ये दोनों है ना बहुत आगे हो, और तू रे मिजागड़े मुसले ही बन रखे है क्या। जरा मेरा नाम भी लेना ही मत बिल्कुल। बेटा घुटने पे रख के तोड़ डालूंगा तेको। काला समझा नहीं किसको तो। अरे ये तो ऐसी छे, इनको तो सारा गांव बुरा लगता। अरे जरा सीधे रहो ना जी, दोस्त है ना अपने गुलिया के वो। ओए रहन दे, जरा साल सुती पना मत जाता हूँ, कौन है वो मेरे को दिख रहा। अरे गुलिया जो मेन बात थी तो वो तो रहन दिया और रिका में बातों में लगा दिया।
अरे गुलिया जो बात हमने तेरे को सिखाया ना वो बताना गालू को, तू बोलेगा तो मालूम पड़ेगा ना गालू को। अरे क्या बताना तुमको, मैं पड़े पड़े जो बासी हो रहा ना तो इनकी वजह से, जो मेरी शादी लेट हो रही ना तो इनकी वजह से। ऐसा मेरी वजह से हो रहा है ये सब, मेरी वजह से? अरे ये सब तुम्हारी वजह से छोरा, ये जो सारा खेल हो रहा ना तुम्हारी वजह से हो रहा। कैसे कैसे लोगों की शादी हो गई, हाँ ये देखो 3 बच्चों का बाप है, ये तो देखो सिर में बाल नहीं, 5-5 बच्चे। ये नजर में भर रहा ये नजर में। अरे इसके तो शादी भी नहीं हुई, 6-6 बच्चे है। ऐसे बाप से तो लावारिस रहता तो वो अच्छा रहता था, अरे यही मिले थे क्या? देखू हाँ मेरे को बाप बोलने के हिसाब से देख कलर तो भी कहीं मैच होता क्या? जान दे बेटा, किस्मत में फतरे पड़े अपने, सारे गांव से दुश्मनी लेके रखे ले इन्होंने। रिश्तेदारों में बुरास, मोहल्ले वालों में बुरास, वो तो मेरा ये मुंह देख के ना लड़की मिल गई देखो, और इनका मुंह देख के तो कोई लड़की च नहीं देता था। ए, बस ना बस करती क्या, कैची का क्या जबान चलाती। अरे जान दो कालू, क्या लगाया तुमने भी? अरे नम्या क्या बोलना देखू, कितनी जगह पोट्टे देखने गए ना, गपा गप खा लिए अनि पोट्टे कैंसल कर दिए। अरे मोटू तेरे को क्या बोलू, इनकी वजह से ना हमारे घर पे अभी शादी के रुक के भी आना बंद हो गए। अरे गुलिया इतना सबर करो ना भाई, तू 2-3 दिन और सबर कर, हो जाएगी तेरी शादी। जो मेन बात है ना बा, वो बता बा खालू को। ए, क्या हुआ कुछ बोलेगा? बाबा क्या बोलना तुमको, बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा है ना मेरी शादी में आने का नहीं कह रहे। मेको मालूम था तुम्हारे वालिद कुछ ना कुछ तेल डालेंगे, और भरो जाके जाओ गंज भरे ना उनके, अब देखे क्या कैसा करे। तो मेरे पोरा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही उनको, अरे अपना तो कभी किसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ रे, और इनके वालों को तो कभी नहीं। चाची मेरे माँ बाप के बारे में ना जरा भी बड़ा बुरा बोलने मत, क्या रे गुला मैंने तो खुद बताया कि नहीं रे। आना बा तूने ही बोला ना, वो बोला ना मैंने। देखो बाबा जैसा तुमने सब करके रखे लेना वैसा सब निपटाओ, अरे मैं कह दे रहा मेरी शादी में जरा भी भानगंड नहीं होना, कह दे रहा माँ तू समझा देना तेरे हिसाब से। ठीक है बेटा, हम छोटे है ना जाएंगे उनको समझाने के वास्ते, अब बड़े है ना वो, सारा कसूर तो हमारा छे, उन्होंने तो कुछ कारण नहीं है ना। अब एड़ी ये तो एक है, अभी बहुत आने के बाकी है, और अपना हाथ जो है ना पत्थर के नीचे है, एक बार पत्थर के नीचे से हाथ निकलन दे वही पत्थर से उनके सिर में नहीं डाला जबीच कहना, और उनके वानी निकलेगी क्या शादी? फिर देख तू तमाशे देख मेरे, फिर तुम तमाशे डालेंगे। अरे तुम क्या तमाशे करेंगे जी, तुम तो दुनिया भर के हलकट है, दावत से पहले है ना उनके घर को जाके बैठेंगे तुम, मेरे को पूछो ना दाल चावल के भुक्के। ये बात तुमने सही बोले। माँ की उपाध कहाँ चले गए होंगे, सबके घर पे भी ढूंढ के आया गए का इनकी उपाध मारो उपाध की, कहीं ना कहीं तो कांड करते बैठे होंगे वो, देखना पड़ेगा कहाँ ढूंढना। अरे ये लो यहाँ बैठे बगल में चूरिन गांव में दिंडोरा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ डाला इनको ना, थका डाले बुरी गत को ने मेरे को। क्या रे यहाँ बैठे तुम लोग, कब से तुमको ढूंढ रहा मैं, तेरे घर गया था मैं, तेरे भी घर गया था मैं, तू तो सुबह से घर पे नहीं है। कह रहे मैं तुमसे बात कर रहा ना, इधर उधर क्या देख रहे पोट्टे की गत। अरे क्या हो गया तुमको, क्या हुआ? अरे हमारी कोई इज्जत इज्जत है के नहीं, हम क्या रोड पे पड़े ले क्या, तुम्हारे घर पे का लोट पोट कर रहे क्या? बेटा तेरा मुंह देख के तेरे बाप को छोड़ देते, तेरे बाप को टकली फूट डालता था मैं, तेरी वजह से आ जाते तेरे घर पे हम, वरना हमको किसकी करे जरूरत नहीं है। अरे क्या बोल रहे तुम लोग, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तेरे कहा से समझ में आ रहा, अरे तेरा कोई मसला नहीं है, हम ही हल्का से क्या तेरे घर में बले बले घुसते। तेरा बुड्ढा बिल्कुल टेढ़े टेढ़े नजर से देख रहा। अबे मेरा तो ऐसा जी हो रहा था ना तेरे बुड्ढे के आंखें फूट डालूं। पर इतने टेढ़ा टेढ़ा बात काय को कर रहे, क्या हुआ मेरे को बोलेंगे, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे तीनों। क्या हुआ? अरे सुबह 9 बजे तेरे घर पे गए, तेरे बुड्ढे से पूछे कि गुले का है तो बोल दे बोले छंग मारने गया। ऐसा तो ये सब तेल तूने डाले ले। तेल नहीं डाले ले, तेरे बुड्ढे ने बात सुनाया हमको। इसको तो इसको और मेरे को भी बोल रहे, दिन निकला तो आ जाते, दिन निकला
आगे के यहाँ के नहीं तड़पण करते। एक बात बता गुलिया, हम दिन रात तेरे दरवाजे पे पड़े ले, तेरे घर के टुकड़े तोड़ रहे। तेरे बाबा है ना, हमको देख के ताना मारते, मुँह छुआ और पेट कुआ, मुँह छुआ और पेट कुआ, रात दिन का तेरा बाप खिला रहा क्या हमारे को? तेरे बाबा है ना, मुझे देख के बोलते आगे हत्ती का बच्चा। तेरे बाबा ने देख देख के नजर लगा के ना मुझे बीमार करा दिए। क्या करना है, मेरे बाबा के पाए रहे ना एड़ा हो जाऊंगा यार मैं। देख गुलिया, तेरे बाप के भरते में ना हम पेट नहीं पाल रहे। अरे हाँ सुन ले गुलिया, खाते पीते घर के हम आए। देख गुलिया, तेरा मुंह देख के आ रहे मैं। अरे मैं बोल रहा ना, मेरे पे भरोसा करो ना। मैं बोल दिया ना तुमको, मेरे बाबा के चक्कर में मत पड़ो। अब मेरे बाप ने कुछ करा तो मैं जिम्मेदार है, तुम चलो। पर तेरे बाबा को इतना खको पना नहीं होना ना, कभी तेकू बोल रहे, कभी मेकू बोल रहे, कभी इसको बोल रहे, कभी इसको बोल रहे। तेरा मुंह देख के चल रहे मैं। चल चलो, अगर वहाँ कुछ हुआ ना तो देख लेंगे अब हम। चलो चलो, तुम अब मेरे साथ देखना अब क्या करता मैं। चलो तुम सिरी माँ। क्या है रे, क्या सर लगेगा टाइट हो रहा, रंग बदल रहा? मैं रंग बदल रहा? अभी दिखाऊंगा मैं रंग कैसे बदलते। मैंने बोला था ना पहले ही कि मेरे दोस्तों को आड़ा तीचा बोलने का नहीं, रिश्तेदारों में बोलने का नहीं। क्या करें इन लोगों के साथ? ए, मैंने कहा कुछ कही, मेरा नाम तो लेना ही मत, वो तेरे बाप को जाके बोल, उनको पागल कुत्ते ने काटे ले, सबसे खाओ खाओ कर रहे सब पे, खर्चे को पैसे मांग रहे ना तो ऐसा कुत्ते के जैसा लौसड़ के अंग पे आ रहे, न चार देख रहे न 14 देख रहे। कहाँ है मेरे बाबा? हे कहाँ मेरे बाबा? हाँ वो देख, वो आ रहे कामदार। हाँ बुढ़िया, तेरे बाबा आ रहे भला क्या? अरे चार तरफ के चार लोग आएंगे भला क्या? अरे चार में बराबर करता तब समझ में आएगा। क्या जी, कहाँ चले गए थे कब से? अब वो चटेल आने गया था ना, मिजवानों क्या तेरे सिर पे बिठाएंगी? अरे तन्ना भी लाने का बोली थी ना मैंने, ये क्या जून उठा के लेकर आ गए चटेल? चलती सा बैठने जब बात किसको दिख रहा, नवी अंजूनी पकड़ ले। अरे क्या लेके खड़ा टोली यहाँ पे? तमाशे तमाशे कर रहे, कब से मैं दिखा था तुमको तमाशे क्या रहते अब? अरे नहीं गुलिया, तेरा बाप रे, मारना मार मार मार। क्या दिखा रहे तमाशे, क्या दिखा क्या रहे तमाशे तू मेरे को? जानदू ना गलू, मारू खलू मारू। अरे छोड़ना मेरे को छोड़ना, जानदू ना गलू, तुम्हारा बोरा ना क्या कह रहे? मैं तो ना खलू मारू ना। क्या कहा मैंने इनको बोरों को, यहाँ आके टोली लेके तमाशे कर रहा? उसको टक्कर मार देता आज मैं। नहीं गुलिया, अरे तुम दोनों छोड़ो रे, मैं आड़ा ही गिरा था उसको। बेटा मैं तमाशे दिखाऊंगा तुमको, दिखाता इनको तमाशे। सरक छोड़ तुम्हें को। अरे बंद करो रे, तुम्हारे तमाशे बंद करो। अरे के मैं मेरा ही कुछ कर लो, अरे ये आदमी के पैर ही ना तो कर में कोई ना कोई मर जाएगा। बाप अलग तमाशे दिखा रहा, बेटा अलग तमाशे दिखा रहा, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। बेटा तुम तीनों ने मेरे पोरिया को बहका के लाए ले, कान भरे ले उसके तुमने। और तू भी सुन ले, तेरे को समझा दे रहा मैं। साले दगड़ नींबू, ये काम कर रहे के तुम लोगों के घर बिगाड़ने के, अरे जंगल बिगाड़ रहे, खेल फत्या लोगों के घर बिगाड़ रहे, तेल डाल रही के तुम। अगर मेरे घर का खेल हुआ तो समझ लेना तुम तीनों के भी घर का खेल कर डालूंगा मैं। देखो गुलिया, अभी भी तेरे सामने कितना बोल रहे हो, क्या खेल कर रही खालू तुम हमारे घर का? अरे जान दे बेटा, उम्र का तकाजा है, ये उम्र में आदमी ऐसे करता, कुत्ते के गत खाऊ खाऊ। माँ जरा इनको समझा, घर में लेके जा अनगोली दवाई दे। चलो जी चलो अंदर, तुम भी कहा बच्चों के बराबरी में लग गए। जरा मुसड़ा देखो आईने में, अंदर चलो अन ये मुसड़ा जरा रंगो, अब ये दाढ़ी अंदीड़ी बनाओ जरा तुम, चार जगह के चार मेहमान आएंगे। अरे तुम्हारा इतना हमारे तो इज्जत का ख्याल करो, इज्जत है मेरे बेटे की गांव में, चलो। जान दो यार, मेरा बाप का बुरा मत मानो यार, उनका उम्र का भी तकाजा है और बीमार सीमार रहते वो। तेरा बाप क्या हमारा बाप क्या, एक ही बात है रे भाई। अरे गुलिया सही कह रहे हो, तेरा बाप क्या और हमारा बाप क्या, आज का दिन इतना ही काफी है, शादी को कई दिन बाकी है।
चलो रे अब है ना मेरे अब्बा को बोलते हैं, मेरे बाबा को बोलते हैं अब, और कपड़े लेने के अपने को नहीं नहीं। पर तुम भी बोलना, मेरे बाबा को बोलना, तुमने मेरी सुनते नहीं वो। हम लोग है ना बुलिया, टेंशन ना ले रहा तू। चलो बैठो। क्या लाया अब नवा? अरे कुछ बोलता गुलिया? अरे तू बोल देना। ओए माँ। गुलिया बोल रहे, तेरे बाप को कुछ बोलता? अरे बोलता क्या रे भाई, गुलिया बोलता क्या? ओ चिपड़े अन क्या रे डांगर, तूने लाया ना बहका के? तू बोल तू बोल। अरे जंगल भाई साहब सीधा बैठ, करे ना भांडल। तुमको देखते से ही समझ में आ गया था मेरे को कि लाए मेरे पोरिया को कुछ भी आले साथी डाल के उसके आंग पे। जाओ बाबा, देते क्या पैसे किसे? शादी है ना घर में, मैया थोड़ी है। अरे क्या कर लो, अरे पैसे उठे देते क्या गुलिया को? अरे हमारे चाय पानी तो करेंगे ना। ऐसा तब ये पढ़ा के लाए उसको तुमने? अरे तेको देखते से फितरती पाना मेरे को समझ में आ गया था, तेरा मुसड़ा ही फितरती है साले। दे दो ना पैसे, तीन दिन से तो हम उसको चाय पिला रहे। मेरी शादी के अंदर है ना, मेरे बाप ने 10,000 रुपए डाला था किसी में, इतना कंजूस पड़ा होता है तुमने भी। अरे हो जंगल भाई सर, अरे फितरे के गांव में और चंदे में शादी हुई थी तेरी, बोलने लगा रहा क्या मेरे को? देरा बेकू बोल रहा क्या रे साले? जगात के कपड़ों में तो नीचे खानी हुई थी तेरी। ले रे 200 रुपये ले, और शादी के दिन तक के मांगना नहीं, समझा? इतना तो खर्चा हो जान दे, फिर देखते ना। और लेके निकल इनको भी, ये तो चाय पानी के आ गए, कोट पैंट के पैसे कब दे रहे अभी? कोट पैंट पड़े ले मेरा, टेलर के पास ले जा और छोटा करके वही पहन ले। वो सड़ेल कोट है ना, तुमको ही तुम्हारा रहन दो, कोई ना कपन को काम आएगा, मेरी माँ को आने दो, फिर देखते तुमको। चलो रे ये 200 है, इसका कुछ करते, चलो चलो लिख लो, बोले देखते तुमको, जैसा कमा के रखा मेरे पास, देखते बोले तुमको। अब तू एक बार मेरे पोरिया की शादी हो जान दे, बस तू अनमई छे फिर, होना भी नहीं वो जलापा मेरे को। आज तो बुड्ढा बहुत ही मूड में दिख रहा, लगता कुछ काम करना पड़ेगा मेरा। क्या बताऊँ तेरी आदमी ना दाढ़े मुच्छा बना ले रहा मैं। आओ फिकर मत कर रख तू। हाँ ओहो, किससे इतने मीठे मीठे बात चल रहे थे जी? किससे बात चलेंगे, अब फोन पे भी पैरे लगा दे मेरे। किससे बात नहीं करन देरी मेरे को, घर में पोरिया की शादी है, 4:14 के फोन आएंगे मेरे को। लो चलो। ओहो 10-10 बार बोलने के बाद चाय नहीं बनती, आज बिना बोले चाल आ रही तू? अरे लो जी पियो, आज तुम इतने अच्छे लग रहे ना। जंगल का डाकू दिखता था क्या मैं पहले? बोले आज बहुत अच्छे दिख रहे, आज तो बहुत भारी चाय बनाई हो तूने। एक बात बोलूं क्या? बोलना, बोलती नहीं, इतने चैकल चाले कर रही, और ये लाले आलू ले शादी के टाइम तो नहीं लगाई, बुढ़ापे में छुटा के तेको ये शौक? आज ना तुम एकदम संजय दत्त के जैसे दिख रहे। हाँ हाँ, पहले प्रेम चोपड़ा दिखता था क्या तेको? बोले संजय दत्त दिख रहे। मैं क्या बोल रही? हाँ। घर में शादी नजीक आ रही, अपने दूल्हे की लाओ देते कपड़े लाने पैसे। बोले 500 रुपए है, 2 जोड़े लाना। ये क्या 500 रुपए ले? अरे 500 रुपए ले का जमाना है क्या अभी? अरे गन कपड़े पड़े ना, हर महीने कपड़े बना रही, पूरा कबाड़ भरे ले कपड़ों से। मेकू देख 2 जोड़ों पे चल रहा, वही धो रहा वही पहन रहा। हर महीने कपड़े लेती, तुम दिलाते के मेरे को कपड़े? अरे मेरे माँ बाप के वास्ते लाती, और मेरे भाई लोग पैसे देते ना जब मैं मेरे वास्ते कपड़े लाती। अरे तुम लोगों के यहाँ से तो चिंदा तक नसीब हुए ला नहीं मुझे, साल साल भर में एक बार लेके देते,
हम 10 बार बोल के बताते। वो बाजू वाली रशीदा खाला को देखो, अरे उनके घर वाले 5-5 हजार के ड्रेस दिलाते उनको। हाँ ऐसा 5 हजार के कपड़े लिए बाजू वाली खाला ने, ऐसा क्या है वो कपड़ों में? आजी वो नवे ने निकले के कपड़े, अभी क्या कहते जी उसको, अरे वही पलाजमा। पलाजमा नहीं कहते उसको, पलाजो कहते। उससे अच्छा तो मेरी लुंगी पहन ले, पलाजो जैसी दिखती वो। अरे रखो तुम्हारी लुंगी तुम्हारे पास, सड़ेली पटक। बाया के कपड़ों के नाम तुमको कैसे मालूम जी? बाया के कपड़ों के नाम दिलाए के किसको तुमने? अब मैं समझी कि मेरे वास्ते काहे को नहीं आ रहे कपड़े, दूसरों के वास्ते कपड़े दिलाए जा रहे, पलाजो के नाम समझ में आ रहे। अरे घर में बेटे की शादी करा रहे कि तू भी तुम्हारा कर ले रहे। अरे ला मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बहुत होगा, शक करना बंद कर। अरे तूफान चाले यहाँ मत कर, अंगार भरे चाले मत उठाओ, सिर्फ ये चाय के प्याले उठा निकल। क्या होगा मेरी उम्र को, अभी भी दिखता ना मैं संजय दत्त जैसा कहीं ना तूने? कोरे आते होंगे उठाए। देखो जी मेरा पोरा कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम सफेद चक। हाँ दिख रहा बगले के घर। अच्छा हुआ मेरा पोरा मेरे पे गया। बस कलर पे मत भारी भरा कर, गुण भी वैसे होना। क्या? अरे दूल्हे के आगे है ना उसका छोटा भाई बैठता घोड़े पे, तो मैं बैठूंगा ना। अरे डटरल बिजाले, अरे छोटे बच्चे बैठते उसके ऊपर, तू क्या डटरल बिजाला है ना रे? हे हे मेरे बाबा देख रहे, चलो उठो 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 चलो। ए, क्या है तमाशा लेके फिर रहा? अरे क्या रे अंदर तासा बांध लिया क्या? घोड़ा है बाबा, शादी के दिन भी यही घोड़ा रहेगा। घोड़ा नहीं है वो, पानी में का गेंडा है, गेंडा। अजी जान दो जी, देखो ना मेरा पोरा कैसा चांद जैसा सफेद लग रहा। लाओ ना जी, लाओ बेल उतार देती उसकी जरा, लाओ। पहले अरे ये क्या 10 रुपए पड़ ले, लाओ ना 150 निकालो जरा आज। पहले जंगल भी जाग रहे, वैसे भी तेरे जैसे कोई दिए जाते ये पैसे, समझा ना? 15 तू ले, 10 वो डटरेल को दे और 5 इसके तगारी में डाल दे, 70 वापस दे मेरे को। मैं नहीं दूंगा किसको भी। क्या खड़ा बैल के घर? बस है जी बस ना, क्या कट कट लगा मेरे पोरा के पीछे। दोपहर हो गई, पकाने उकाने की फिक्र है क्या तेको? हाँ हाँ मेरे पोरा को हल्दी भी लगाने की है, हल्दी लगाएगा तो मेरा पोरा ना और गोरा हो जाएगा। कलर तो ही भारी भरा कर, गुण भी होना वैसे। चलो चलो हल्दी लगाने की, चलो 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 चलो। नाचवा थोड़ा सी मजा आएगा ना नाच। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। क्या रे क्या मुजरा लगाए रही है? है जोरा भाई के नवासे, क्या रे इतना बड़ा डुस्का भर लिया के मुंह में? बेटा कह दे रहा घर में थोको नहीं जिमात है, और तेरी खमीज से पोछने लगाऊंगा मैं तेको। बहुत महंगे मोल का कलर मारे ला मैंने, और तेको भी समझा जा रहे वो जंगल भी जाग रहे सीता फल के बीच है इतना सी मुंह है ना रे, भर लिया के उसमें भी गुटका। और तेको तो मैं समझा ही दे रहा बेटा, बाथरूम तरफ जाना मत, यही खा रहे और यही काम बढ़ा रहे रे। बाबा दोस्त है वो मेरे, फिर शुरू हो गया क्या तुम्हारा? करूँ क्या शादी में तमाशे करूँ क्या? तू तमाशे करेगा बेटा, तेरे से बड़ा तमाशगीर है मैं। बेटा यहाँ
हल्दी और अंडे चलेंगे नहीं, उठा इनको लेके जा बाहर, चले उठे। बस जी बस ना, क्या लगा है तुमने, घर में बच्चे की शादी है ना, लगा दी के कटकट तुमने। घर में घान होएंगी, अच्छे का बोल रहा मैं, उठो रे जाओ बाहर। जाओ तुम जाओ उधर खाना खाने बैठो, भूख लगे लेना इससे तमाशे कर रहे। चलो बेटा तुम लोग बाहर निकलो, मैं हल्दी लेके आती हूँ। चलो फटाफट जाओ ना रे, जल्दी जल्दी जरा खुलचा गिलचा लाते। बैठ रहे तू भी बैठ। गुलिया गुलिया तेरी शादी में घोड़े पे आगे मैं बैठूंगा। हाँ तू आगे बैठना, गुलिया गुलिया मैं तेरे पीछे बैठूंगा। तुम दोनों एड़े गिड़े हो गए क्या? अरे ट्रिपल चोर हो जाएंगे, पुलिस पकड़ लेंगे अपने को। अरे गुलिया तू टेंशन क्यों ले रहा है, अपने पास तो परमिशन है ना, पुलिस पुलिस वाले मेरे को देख के भाग जाएंगे। चची ओ चची हल्दी लाते क्या? ए मोरी हाँ खालो, जल्दी से खाना भी पकाओ ना, बहुत भूख लगे ले। आज तो है ना मैं ना सालन महंगा कहूंगा भिड़ू। ले बेटा अच्छे से मल रहा मेरे पोरे को हल्दी, इसका और भी कलर खुल जाने हो ना। हाँ चले गुलिया अस्तिन ऊपर कर, अन ये पाव के ना ये भी ऊपर कर, अनो खट्टे पटक बास मार रहे मुझे तो उतार। फेंक रहा ना तो इतना काय को चिल्ला रहा है, ये ले। अरे मोजा, अरे तू भी लगा ला उसको। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, दिलदार की शादी है। मेरा गुलिया दूल्हा बनेगा, दिलदार की शादी है। आज हल्दी लगा रहा मेरा भाई। हाँ क्या रे, रे रुक। शादी मेरी है क्या तुम्हारी है? मेरे को हल्दी लगाने हो ना तो खुद के मुंह को चौपड़ रहे तुम। मेरे को हल्दी लगाओ, मेरी शादी है। जरा से हल्दी लगाया तो इतना को गुस्सा बता रहा हमारे को तू। ऐसा ये लो डाल लो, दोनों आंग पे डाल लो तुम्हारे। अरे इतने कैसे हीरस भरे रे तुम। हाँ शादी मेरी है कि तुम्हारी है दोनों की? अबे काले नाक तोड़े, तू कितनी भी हल्दी लगा लेगा ना तो पीला होने वाला नहीं, हल्दी को काली कर डाला तूने। सही बोलता रे मेरा बाप, तेको कलर छोड़ रहा ना। क्या रे सरोदे के मुँह के तू क्यों लगा रहा हल्दी, और तेरी क्यों हवस फेड़ रहा? यार दूल्हा तो है क्या, खुद ही दोनों मुँह पे हल्दी छोड़ रहे। अरे शादी अपने दोस्त की है ना, तो बारात में अपन भी जाएंगे ना। अरे शादी में आएंगे तुम, पर मुँह को हल्दी क्यों चौपड़ रहे होंगे? कसा वाह तेरी शादी में जाएंगे ना वाह, चार तरफ के चार पट्टे आएंगे ना वाह। जब तेरी साली मंजे खिलाने आएंगे ना, मैं तेरे बाजू में खड़े रहूंगा। दोनों में से एक भी नहीं रहेगा वहाँ पर। गुलिया का साथ है ना मैं रहने वाला, क्या रे वो गुलिया खास तो स्कूल लेने ही मत। ये पट्टे देखे वहाँ घुसू घुसू करता है, इस पे तो पूरा ध्यान रखना, ये छोटा होने का ना फायदा उठाता। शादी के अंदर इतना बाया और पट्टे में रहता। अरे रतालू तुझे तो बाहर देख लेंगे, एक ही टक्कर में तेरी नाक नहीं फोड़ा ना तो मेरा भी नाम शाहरुख नहीं। सही बोला बा शाहरुख, ये बाहर कहीं भी मिला ना, अरे ऐसा चाप उसको 14 नहीं पूरे 28 इंच चल लगने को ना उसको। क्या रे तेरा भी क्या है, क्या लगा है तुमने सब? मेरी शादी में कहीं धतिंग करे चिटिंग करे और इधर उधर भी जरा सा घुसे ना तुम तो समझ लेना बेटा, तुम 3 दिन पहले मेरे शादी में आए ले, मैं 1 महीना पहले तुम्हारे घर पे आऊंगा तुम्हारे घर में। तू फिकर मत कर बा गुलिया, इनके घर पे जब दोनों के है ना शादी निकलेंगी ना तो 1 महीना पहले अपन दोनों रहेंगे। आए, आए। क्या रे? क्या लगा है यहाँ पे भांड छाले और हल्दी लगाने हैं नरे तुम? हाँ तुम्हारे मुंह को चौपड़ ले रहे दोनों। बेटा समझा दे रहा मैं तुम तीनों को, बेटा कभी बाया पोटिया में घुसे तुम तो समझ लेना कि तीनों के घर मालूम है मेरे को, तीनों के घर में मैं घुसूंगा फिर। चल रे ए, बहुत हो गई हल्दी गिल्दी लगाना, बहुत खेल ली हल्दिया, चले वे
ये इसको स्कूल लेके निकल जाओ, घरोदारों को खाना उना खा के आओ, यही टिप्पट मत जमाओ, निकल रहे चल रहे ढोर लेके निकल इनको, चल रहे तू भी घर में। हेलो, हाँ क्या रे भाई, आ नहीं रह गया तू, क्या दीनी बचे। हाँ मैं क्या कह रहा, आ जा, इतना बड़ा कौन सा तेरा कारोबार है, है? आ जा भाई। हाँ न तो देखा है तेरे वहां भी निकलने वाला है कार, फिर मैं क्या करूंगा देखना तूने। रुको, ए क्या वो इधर आती क्या, क्या जी काय को इतने चीखा मार रहे, कौन मर गया तुम्हारा? मर गया? अब मेरे तो गिनी मोजी के बचे हुए है, तेरे गन फिर रहे डुरू डुरू गल्ली गल्ली सिरवा डल्ली करते, और मेरे वालों को क्या मार रही, तेरे होते सोतो कुमार। बस मेरे वाले के चुपते तुम्हारे आँखे में, हाँ मेरे वाले के तुम्हारे दरवाजे पड़े ले क्या, मेरे वाले ना तुम्हारी रोटी में है ना निवाले में। हाँ इससे मैंने अभी तक मेरे वालों को बुलाया नहीं है, ये तेरे चड़ेल चालों से ऐसा बोल रहे जैसे मेरे वाले तुम्हारे घर में लोटपोट कर रहे, काय को बुला रहे फिर उनको, कर लो ना तुम्हारे तुम्हारी शादी। अब तेरी इतनी लंबी जबान की वजह से ना पूरे भैया छूट गए मेरे, मेरी वजह से, मेरी वजह से। ओए है देख गुलिया तेरे बाबा को समझा दिया, नहीं तो मैं मेरी जान का कुछ भी कर लूंगी। हाँ ना बाबा, तुम भी क्या शादी का टाइम हमारे पीछे पड़ गए ले घर में, दिख नहीं रहा तेरे को, टोच टोच के बोल रही मेरे को, ये जो है ना तेरे धानलिया यहाँ चलने वाले नहीं है, मेरे को तो दिखो ही मत तू। मेरे वहाँ कुछ भी निकला तो कुछ ना कुछ फितरती चाले तुम्हारे वाले जरूर करेंगे, मैं तो सबर कर लूंगी, पर वो है ना, हाँ मेरे बोरे की शादी में अगर किसने कुछ करा तो मैं भरेंगे वो, हाँ देख लेना। दिख रहा वो कौन भरेगा, कौवे के कोसने से ना ढोर नहीं मरते, देखा ना गुलिया, देखा ना तेरे बाबा को कितनी लग रही उनकी। अब एक बार सिर्फ मेरे पोरिया की शादी हो जान दे, फिर ऐसा ताबीज बना के लाऊंगा ना कि तेरे मुंह बंद हो जाएगा। अरे बस करो ना बाबा, हा? पहले ही मेरी माँ एक तो बीमार सीमार रहती, वहाँ पे नई नई एक बातें ला रहे, मेरी माँ को कुछ कम ज्यादा हुआ ना देखता फिर तुमको, फिर मैं तू मैं फिर तुम, माँ बेटों की वजह से ना एक आध दिन मेरी जान का कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। सारी जिंदगी से ये सुनते आ रही, जाने कब आएंगे वो दिन। अरे बाबा ये काम में झगड़े बंद करो, और मेरी शादी के रुक के बांटना बाकी है अभी, वो बांट के आओ जाओ। ये काम मत बोल उनको, रिका में बात करने बिठाया, सारे जवाबदारियां मेरे ऊपर और फिर मैं बुरा। कहाँ जा रही है थैली गीली लेके? आज ही बाजार में जा रही ना, बाजार पूरा खत्म हो गया ना, घर में हल्दी के दिन क्या पकाएंगे, लो पैसे दो। बस बात बात पे पैसे मांग, सिर्फ पैसे मांग तू, पड़े ले घर में छोले बट्टा बना, बाजरी के रोटियां पका। हल्दी के दिन कुछ अच्छा बुरा पकान देते कि नहीं, चार जगह के चार मेहमान आएंगे ना। देखो ना मेहमानों की फिक्र नहीं है, तेरे वालों की फिक्र है, और जान लिए मेरे कने कि हिलाऊंगा तो पैसे आ जाएंगे। क्यों मेरे वाले चाहने वाले है क्या, तुम्हारे वाले नहीं आएंगे क्या? अरे तुम्हारे वालों को तो तीन तीन टाइम लगता खाने को, अच्छा दबा के खाते ना। हाँ आ गई ना तेरे मेरे पे, समझ रहा था मेरे को, पड़े ले छोले घर में बट्टा बनान बाजरी की रोटी खिला उनको वो। अजी मेहमानों को क्या छोले का बट्टा बाजरी की रोटी खिलाते क्या? अजी कुछ अच्छा बुरा पकाना पड़ेगा ना, मेहमान आ रहे ना। सब समझता मेरे को मत समझाओ, जिन्हें आए टिपाया ना उसको पुलाव, और जिन्हें नहीं टिपाया ना उसको खिचड़ी और झींगो की चटनी। बढ़िया ही हुआ, चले पैसे अंचल निकल। सही रे बाप, पूरे अलग उपगारा भाई, अलग उपगारी, सही बोलते तेरे लोग, शादी करके देख और घर बांध के देख। रुको यो, रुको अब आती क्या, दोपहर हो गई ना, रुक के बांटने जाने का है ना अपनों को, क्या वही लाला मेकअप कर रही, अब आती क्या? अरे क्या भाई है यार, ये क्या उग गई ने, क्या है जी क्या बोमा मारते रहते हैं? आ रही थी ना, रिका भी बैठी थी के अंदर, मेकअप कर रही थी ना जरा जरा। हाँ वो
हाँ कामदार है बहुत, तू मेकअप कर रही थी, रुक के बांटने जाने के अपनों को, तेरे भाई के वहाँ और दादा के वहाँ भी जाने का अपनों को। अरे तो जरा सर रुकते, दरवाजा बंद करन देते कि नहीं देते मेरे को? वो खुला रहने दे, पोरे यही है, वापस भी आने का अपने को, तेरे भाई के वहाँ मुकाम नहीं करन देंगे वो अपने को, उसके खुद खाने के वहाँ दे रहते, वो क्या अपने को खिलाएगा, जाते बरोबर 150 मांग लेगा, पहले ही बाकी है उस पे। बसो जी बस ना, तुम्हारी गृहस्थी जब तुमने नहीं लिए थे क्या, भूल गए क्या सब, बोल के बता रहे बार बार, तो जैसा लिए थे ना वैसे दिए ले, मुंह पे टच टच, समझी क्या, बोलने लगा रही क्या मेरे को, चल मुंह बंद कर, रोड से भी झगड़े करी क्या, चल सिर्फ एक बार पूरिया की हो तो जान दे शादी, फिर देखता मैं। कहाँ चल जाती पूरी? अरे वो, अरे तू यहाँ बैठी क्या? हाँ कब से ढूंढ रहा तेको मैं, सरा गुजर। अरे कहीं भी मत फिरा कार, कब से ढूंढ रहा तेको मैं, जा हो घर में, जा उधर ही खेल जा। क्या बड़ी खुश दिख रही तू, तेरे वालों के वहाँ जाने का नाम आया कि निश्चित खुश हो जाती। अरे तो मेरे वाले है वैसे, मेरी खुशी में खुश रहते, तुम्हारे वालों के जैसे थोड़ी है। हाँ चल मुसड़ा बांध कर घर आ गा। आओ बड़े भाई, आओ बड़े भाई, क्या तेको तो दिखता नहीं ना, और मैं कैसा दिख गन तेरी बहन। अरे बड़े भाई तुम्हारी याद ना आए इसके वास्ते देखो मैंने भूकुल पाल के रखा, तुम्हारी खुर्राट बात से मैं तुमको पहचान लेता। हाँ तुम जैसी उतरे हुई ना वो इधर हाईवे पे, तो वैसी भपकार आना चालू हो गई, मैं जब ही समझ गया कि बड़े भाई आ रहे हैं। अरे आपा कब आए तुम? अब भी आई ना भाभी, कैसे तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? एकदम मजे में भाभी। सब तैयारी हो गई? बस सब तैयारी हो गई, रुक के बांटने आई मैं इधर। अरे दादा कैसे आप, सब ठीक है ना? हाँ मजे में है। बस ज्यादा मया मत भया, जा बड़े भाई के हत्ते चाय बना के ला, और सुन शक्कर जरा कम डालना, इनको ना शक्कर की बीमारी है, नहीं भी डालेंगे चलेगा। हाँ और दूध तो डालू ही मत, क्योंकि दूध से इनको एसिडिटी हो जाती, और पत्ती नहीं के बराबर डालना, नहीं भी डालेंगे चलेगा, जा चाय बना। अरे तो बनाने का है को लगा रहा, गरम पानी उकाल के पिला दे, देखी ना घर को चल, जब तेको दिखाता मैं। देखे मेरा भाई आज भी कैसा दिखता, भले ही उसको कुछ नहीं दिखता पर मेरी भावज को कैसा रखता, एकदम गुड़िया जैसी दिखती कि नहीं मेरी भावज। तुम देखो कैसा हालत कर डाले मेरी तुमने, हर जवानी में बुढ़ी कर डाले मेरे को तुमने सता सता के। हाँ वो बीड़िया के चटके दे रहा मैं तेको, ऐसी कर डाला, अब मेरे साथ है तो अभी ऐसी दिख रही तू, मैं तो कैसी लेके गया था पूछ तेरे भाई से। भाभी मैं क्या कह रही, देखो तुमको और भैया को 4 दिन पहले आना पड़ेगा। खाली 4 दिन पहले तो अभी चल फिर। नहीं हो मैं तो ऐसे बोल रहा था, क्या वो अभी तक खड़ी क्या तू? अरे बड़े भाई क्यों आते चाय बना, तो जा रही हूँ ना, खाना भी बनाना है क्या? अरे खाली चाय पूर्ति बात कर, खाने का घोर कहाँ रख रही है, ऐसे भी बड़े भाई दोपहर का खा के निकलेंगे, जा चाय बना, खाने का लगे वहाँ। हाँ बैठो बहन, बैठो यहाँ बैठो, हाँ बैठो बड़े भाई यहाँ बैठो, हाँ मतलब यहाँ बैठो, बैठो। बड़े भाई सब भर लिए क्या अनाज पानी, है सब सामान भर लिए क्या मूल तक? हाँ सब भर लिए हमने, ये ले तेरा रुखा। हेलो ये अरे ये ले। रुखा तो बहुत भारी जाते हो बड़े भाई, मिल गा ना तेकू रुखा, आना मत सुक्का सुक्का, आयर के पैसे साथ में लाना, नहीं होंगे तो यही दे दे, वैसे भी तेकू टिपाता नहीं, तू क्या टिपाएगा आयर? बस ना क्या हलकट चाले लगाए तुमने, रुखा देने के वास्ते आए ना अपन, दे दिए ना रुखा, दे दिए ना उसको रुखा, करती उसकी बात। कुछ बात थी क्या बड़े भाई? अरे 20,000 लिया था ना तूने उधार शादी के वास्ते,
लग रहे हमको वही लेने आए ले हम। तो बड़े भाई मैंने तुमको बोला ना थोड़ा रुक जाओ, आए थोड़ा तारीख आगे बढ़ा लेते। देखी क्या बहुत बोल रही थी ना, दे दो 20,000 दे देगा मेरा भाई टेम पे। तीनों वाटोला करके आवो वलीमे की सेटिंग लगाई तो वो पैसों में मैंने जब पोरिया का वलीमा करूंगा। आइन वलीमे के टेम पे कभी टांगा पलटी हुआ तो तू तेरा समझ ले और तेरी चाय तू पी। चलो अरे बड़े भाई चाय तो पी लो। अरे वो तेरा गरम पानी तू ढोसा। चलो उठो और तू सिर्फ शादी में आ बेटा। चलो बड़ी आई थी मेरे भाई के वहाँ, चलो चल सीधी। Oh, no. ये बहुत बड़े भाई। बहुत बोल रही थी ना, दे दो पैसे दे दो पैसे। yes, हाँ क्या हुआ देखी ना, आइन टेम पे धोखा दिया तेरे भाई ने। चलो जी गुच्छू देखेंगे ना तुम्हारे भाई क्या करते। तो क्या भाभी मजे में है ना? क्या पापा तबीयत बिबियत बराबर है ना तुम्हारी? हाँ अच्छी है, मरे नहीं अभी तक, जिंदे है। कैसे आना हुआ, किधर से निकला दिन, अब तक कहाँ थे, अब याद आई क्या हमारी? अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। आपा अब हम छोटे हैं, हमको तो आना ही पड़ेगा ना। अरे अभी तुमको किसकी जरूरत है, अभी तो तुम लोग ही बड़े हो गए ना। भाभी दादा कहाँ है दिख नहीं रहे। दादा कहाँ है, दादा की अब याद आई क्या तुमको? उनकी 40वीं पर आते थे ना उनके मरने के बाद। अब पूछ रहे दादा कहाँ है। आइए आइए। क्या रे तुमको मना करा था ना मैंने यहाँ आने का, है क्या आस्ता आया तू? दादा तेरी तबीयत तो अच्छी है ना भाई? अरे वो नवी सुई निकली वैक्सीन, लोगों को 2 लग रही भाई, तू 4 लगा ले। कैसा है जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है ना भाई? सही तो कह रहे है दादा, तुम है ना 4 वैक्सीन लगा लो और आपा को 8 लगा दो, ये तुम्हारा है ना हमेशा का काटा ही खत्म हो जाएगा, ये घड़ी घड़ी के चक्रा भी बंद हो जाएंगे हमारे। दादा जान देना इतनी सी बात लेके बैठा क्या, बड़ा है ना रे भाई तू। ऐसा इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी कि वो जो तुम लोगों ने मंगनी के टाइम करे हमारे साथ है? अरे दादा हम छोटे है ना, अरे जितना पीसेंगे उतना काला निकलेगा। अरे अपने बच्चे की शादी है ना। ये सारा खेल तूने करे लिए, जब से तू आई ना पूरा घर फोड़ डाली तूने, घर तो घर आजू बाजू के लोगों से भी बुरा कर डाली ली तूने। अरे तुमको तो 8 दिन पहले आना पड़ेगा, अब घर के बड़े जिम्मेदार तो तुम दोनों ही है ना। ओ बेन जिसको 12 गाड़ी इज्जत होगी ना वही आएंगे तेरे दरवाजे पर। सगाई के टाइम कम नहीं किया तूने? अरे मेरी बच्चे को 3 दिन भूखे रखा, भजिए खिला खिला कर मैंने बच्चे को लाए यहाँ तक। बराबर है, मैंने 3 बार तो मैंने भजिए लाए थे उसको जा जाके। देखो जी इनके बातों में आने का नहीं, तुमको जाने का होगा तो तुम जाओ, मैं और मेरा लड़का इनकी शादी में नहीं आएंगे। भाभी माफ करो हमको, छोटे हैं हम तुम्हारे बच्चों के जैसे है भाभी। इतनी बार माफी कर दो भाभी, माफी मांग रहे हम तुमसे। अनिये रुक्का लो। अरे आपा ले लो रुक्का, तुम्हारा पोरा क्या और मेरा पोरा क्या, पोरा की शादी है ना, ये रुक्का पकड़ो, तुम्हारे पोरा की शादी है, तुमको 4 दिन पहले शादी में आना ही पड़ेगा। बोलो दादा। सुन इधर उधर मुंडे मत कर, आए ना वो छोटे बन के माफी मांग रहे ना दोनों, कैसे है माफ कर दे, खत्म कर बात को, समझी ना, इतना मौका देते हैं उनको, आगे इन्होंने कुछ करे ना तो इनसे अपना रिश्ता खत्म। देखो जी तुम्हारी वजह से मैं शादी में आ रही, लेकिन अगली बार इनसे अगर कुछ गलती हुई तो इनके साथ हमारा रिश्ता खत्म, समझे क्या? हवा वो चलती है लोग के मुंह में। ओ भाई अब लाया क्या मंडप, 2 दिन के बाद ही लाना था। फिर क्या लेके चले जाऊंगा सामान भर के वापस, है कब लाना हमको फिर मंडप? ओ इतना टाइट मत बोलू,
तू कोई मंडप का मालक नहीं है, काम करता वहाँ, चाय से ज्यादा केतली गरम। हाँ भाई मालक बन नहीं है मैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, समझा क्या? मंडवा तो नवा लाया ना, और पर्दे भी नवे होना है, न तो भांदे जूने चिंदड़े। ओ खालू, मंडप भी नया है, पर्दे भी नए है, चारों तरफ फोकस भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बात सुन लो, अगर मंडप को कुछ हुआ, फटा वटा या फटाकड़े से जला, ध्यान रखना मैं पैसे भर के लूंगा तुमसे। और हाँ एक बात सुन लो, जैसी तुम्हारे यहाँ शादी हुई, मंडप तो बाद में खोलूंगा, पहले पैसे लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है गाँव में सारे लोग ताई ताई करके मंडप डेकोरेशन सब कर लेते हैं, पैसे देने के टाइम पे अरे एयर कम आई, फलाने से लेने के, ढिमके से लेने के, ये बाले गिने नहीं चलेंगे मेरे पास, कान को सुन लेना। हाँ एक बात बताओ मेरे को, तुम कहीं ये मंडप तुमने एयर के भरोसे तो नहीं लगाया ना, कि एयर आएगी और मंडप वाले को दूंगा नोच के? होती एडवांस दिख रहा रे तू मेरे को, अब जो तेरे बाता है ना, अब तेरा जो ये मुंह है, इससे ही मेरे को लग रहा कि तू गुजरात तरफ का है। पैसों की टेंशन मत ले बेटा, पैसे सब पहले ही मैंने कबाट में भर के रखे हुए है, जैसी मंडवा खुलेगा ना वैसी तेरे मुंह पे फेंकूंगा पैसे, मुंह पे तेरे। मंडवा भान उत्तीज बात कर, लग तेरे काम में। हाँ कर रहा। डेकोरेशन का नाम है हमजा डेकोरेशन। धीरे ओ बड़े भाई, अरे ध्यान भी नहीं तुम्हारा। मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। तो आ गई बहन? हाँ मैं आ गई। कैसी मेरी बहन? तो बहुत अच्छी है। मैं अच्छा, तू कैसी है? मैं एकदम अच्छी है, अब तू आ गई ना मैं और अच्छी हो गई। चल चल, कैसे बड़े भाई तू आया? क्या बाया देखे? हाँ चले है करने, आए जा बाया देखे कि लाट टपकाने लगते, कहीं ले जाने के लायक ही नहीं है तुम। वो तो मजबूरी थी, मेरी बहन के घर शादी नहीं रहती ना, तो तुमको नहीं लाती। हाँ क्या बड़े भाई, अरे तुम्हारे तो गाल गोचे बड़े ऊपर आ गए, क्या मुंह में लड्डू दबा के रखे? अरे हमको खिलाएंगे कि खुद ही गप्पर गप्पर खा ले रहे? अब पहले ये चिमटे ले रही, अब तू आई के चिमटे लेने? जब ही मोटे तगड़े हो गए तुम, हाँ नहीं खाते पीते ना, अन ये टोचते रहती ना मेरी बहन, ऐसे सूख के काटा जाते, समझे? हाँ सही बोल रही हो तू, सही बोल रही। हम क्या रे, तेको किने दिया था दावत? तू कैसी के आगा? सिर्फ इसको दावत दिया था रुखा, मैंने इन्हें आना था। अरे साढ़ू भाई, अपने को कहा दावत की जरूरत पड़ती, वो तो रुखा कल मिला मुझे, 8 दिन पहले मिलता ना तो मैं उससे नहीं आया था। अच्छा होगा भाई अभी आगा, और नहीं भी आता ना तो चलता था। अरे तेरा रिकॉर्ड मेरे को मालूम है रे, हर जगह शादी में तू यही करता, खाता भाग जाता, कहीं तेरा एड में नाम नहीं है। अरे बड़े भाई तुम फिकर मत करो, मुझे मालूम है इनकी आदत, इससे मैंने ना घर पे ही पैसे ले ली थी आयर के। तेरे पे पूरा भरोसा है मेरे को, बाकी आदमी पे जरा सी भी भरोसा नहीं है। अरे बसो जी, क्या लगा तुमने जब देखो पैसे 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 आयर के वास्ते पूरे की शादी कर रहे क्या? अरे मेरी बहन आये ले, उनको पानी का चाय का तो पूछन दो मेरे को, लगा है वहाँ पे पैसे पैसे। चलो बहन अंदर चल। हाँ तू कहाँ जा रहा? भाया है ना अंदर, वहाँ कहाँ जा रहा? हाँ? अरे सुनो ना, अरे मैं क्या कह रहा, थोड़ा मुँह हाथ धो के आता ना अंदर से। यहाँ बैठ, बोरिंग पे धुला दूंगा तेको उधर ही, और उधर ही चाय पिला दूंगा। साला जल्दी से हो जाइए शादी, बहुत टेंशन रहती हो। लो पानी पियो। जी इतना काय का टेंशन लेके बैठे तुम, ऐसे दिख रहे जैसे सारे गांव का टेंशन तुम कुछ आगे ले। ओ क्या बोलना तेको, बहुत सिर दुख रहा मेरा, ऐसा लग रहा ना कुछ भी हो जाएगा मेरे को। जी 2-4 दिन और रुक जाओ, पोरा की शादी हो जान दो पहले। ऐसा तो क्या मतलब है तेरा, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है मैं। एक बात बता, रात को हल्दी किसके हाथ की रखी तूने? अरे वो मेरे भाई राजू के हाथ की रखे लेना। वो फुटिया की हाथ की हल्दी रखी तूने? अब वो तेरी मेरी खानदान में देखू वही दिखा क्या वो पनौती?
अजी बोतला है ना वो हमको, हमारे पूरे खानदान में आधे खानदान में तो उसके जात की हल्दी लगाई हमने। ऐसा अब समझ में आया मेरे को कि तेरा आधा खानदान सफा कैसी क्या होगा। तेरे भाई के हाथ की हल्दी जिसको लगी ना, या तो तिलाक होगा या तंगड़ा उसका आगे चलगा। अरे बस हो जी, सबको तुम्हारे जैसा समझे क्या? तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा भाई। जा घर में है वो लाड़ो का लचका, देखती भी क्या कड़ू सूरत की। अरे क्या हो, अरे क्या है ये? ओए भिलावे के फूल, अरे क्या रे चूहे के बच्चे, क्या गर्दी लेके फिर रहे ये? तुम्हारे वहाँ रज्जा का है ना? है तो। अरे खालू गुले ने बुला ले हमको रज्जा के अंदर। क्या चौपर देख रहे, दावत दिए ले हमको, तुमसे पूछो पहले। फिर दावत दे के बुला लेना। ऐसा। अरे खालू अच्छे अच्छे आमदार खासदार के यहाँ ना बिगर बोले जाते नहीं हम, तुम क्या लग रहे हमको? मेरा मुँह है के आमदार खासदार के वहाँ जाने जैसा, गली में कोई तेको पहचानता नहीं। कचेर भी जाले। अरे वो कालो, अरे हम खानवा जी बोला क्या? अरे नमक का खाते हम। हाँ दिख रहा मेरे काले नमक के ढेकले, दिख रहा मेरे को कितना खारबाज है तू, सिर्फ खारी दिख रहा, पूरा खलास हो गए ले तू। डीजे ला के रखे ले, कब बजा रही? पैसे दे के गया था कि तूने बोले कब बजा रहे? अरे कालू यार नाचने आया हम रात में। और डीजे बीजे लगाओ थोड़ा, पूरे नाचने को आए ले मामू। अरे कालो देखे गए पटाखे, अरे पढ़ने के वास्ते ले ले अपे। पटाखे क्या कालू, साथ में एटम बम भी ला ले। एटम बम, चल निकल, अन्य गंदी अडवाल को भी लेके निकल यहाँ से, मंडवा देखे नहीं तो आ जाते गेरे इधर उधर से। है चल बेटा, मंडवा जल जाएगा फटाकड़ों से। अरे अरे कीड़े, चल रुक मत, चल बेटा इन पे ध्यान रख, ये गुलिया के दोस्त है, शादी में लफड़ा करेंगे, समझा दे रहा तेको मैं। और बुलाओ गुलिया को, देखता हूँ। आगे घर है ना? अरे उधर कहाँ घुस रहे, इधर आओ है? सीधा रास्ता है। ऐसा अरे इधर इधर उधर है क्या? अरे बड़े भाई तुम है क्या? मैं खंबा समझा तो बेटा, फिर मैं कुछ नहीं समझूंगा। और आगा क्या तू? आने पड़ा ना बड़े भाई, का मेरे को 10-15 भांजे है, एक उल्टा एक है, है? और जब से तुमने रुक्का दे के गए तो जब से मेरे को अंदर से ऐसा खुदबुदी मची, जब तक मैं बड़े भाई के वहाँ शादी में जाऊंगा। हाँ रात रात भर सो भी नहीं रहा मैं, सिराने रुक्का रख के सो रहा। अरे रे रे। जब से तुमने रुक्का दे के गए ना, मेरे पीछे लग गए, कब चल रही कब चल रही कब चल रही। आज तो इन्होंने नया ही काम कर डाले, घर से पैदल ही लेकर निकल गए, यही तो ये घर, यही तो ये घर कर करके यहाँ तक लेके आ गए। अरे खुशी से मेरे पाँव जमीन पे नहीं रुक रहे थे। और तुम्हारी याद भी इतनी कैसी आ रही थी बड़े भाई, 2 दिन से खट्टे डान डकारा आ रहे थे। ऐसा इतनी याद आ रही थी क्या तेको मेरी? पैसों की नहीं याद आ रही थी, वो 20,000 की तेको। अरे वो 20,000 रहने दो बड़े भाई मेरे पास, बाकी हाँ कहता है तुम्हारे आड़े भेड़े को काम आएंगे ना, अभी पूरे की खुशी बर्दाश्त होती नहीं होती। क्या हो रुको, हवा आती क्या? ये देखना आया ना तेरा लाड़का भाई। ओ माँ मेरा भाई आ गया, कैसे थी भाभी तुम? हो गया ना सब शादी का इंतजाम बराबर? हाँ भाई हो गया ना, चल चल घर में चलते। हाँ चलो। उधर से रे, उधर से। अरे भाई संभाल के। अरे ऐसे कहते पैतरे बना ली बहन तूने यहाँ। चलो भाभी।
इसको ले रहे भाई, ले उतार दे इसको। पूरे रास्ते से लगाया, कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, हैं कमली आम की कोई। धीरे जी गिर जाएंगे ना वो, मेरे लाड़का पोरे है वो। धीरे तो तेरे खाने बढ़ा के लाना था ना फिर। दादा जान दे, चल बैठ। यहाँ आई ना तो ज्यादा करना बताए मेरे से। हाँ अभी बोल रही, मेरे से झगड़े मत करना। हाँ बोल देती मैं। चल दादा जान दे, बैठ बैठ दादा। तू क्या लगाया दादा तूने, जान देना। ले जा भाभी को अंदर। अच्छा हुआ आपा तुम आ गए, चलो बहुत काम बाकी है। दादा तुम बैठो, मैं चाय भी जाती हूँ। जहर भिजा इनको, जहर। जहर भिजा रही तू? जहर भिजा, मैं इसको दे दूंगा वो जहर। बेटा वो जहर तेरे को दे दूंगा मैं। हाँ बोलता ना मेरी माँ को, फिर तुमको कैसा देंगी वो देखो। ऐसा हाथ नीचे कर, चुस्से लाम की कोई। बस 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 बैठो। लो जी बांधो। ला रे भाई हाथ आगे कर रहे। अरे कंगना पाँव में नहीं, हाथ में बांधते। हाथ में बांधो। कहाँ गया हाथ का है? अरे इधर है ना हाथ। ये ले भाई बांध। मैं पहले ही मना कर रहा था, ये फुटके की हाथ की हल्दी नहीं होना। बड़ी माया जता रही थी वो। ओ बड़े भाई जरा मुंह में ना लड्डू भर के बैठो, मेरे भाई के पीछे पड़ना नहीं। बुलाते तो बुलाते, वारे रिवाज तुम्हारे। क्या हो ये इतनी माया है क्या, और मेहमान नहीं आए? ऐसा यही छिछोड़ा पना करने के वास्ते तेको अंदर नहीं जान दिया था मैंने। बाया पे ध्यान दे, बाया पे ध्यान दे दिशता तू। अरे मैं तुम्हारा सोच रहा, बहुत कम माया दिख रहे यहाँ पे। मेरा ना कोई सोचू, ये वाचका पाना बंद कराए। पोरिया की हल्दी गुच्छू बैठ। बस तुम्हारा यही नहीं, मैं पट्टा। क्या जी यहाँ भी टपोरी चाले चालू कर दिए। उधर का मुँह करो उधर, न तो उठ जाओ यहाँ से। काय देरी, न तो फिर सोच लो घर जाके क्या करूँगा। अरे भाई हल्दी कहाँ है? हल्दी कहाँ है? अरे यहाँ है देखो। हाँ चलो जी भाई गाना चालू करो। एड़ी माँ का चांद बेटा सच के देखो, हल्दी लगा रहा दूल्हे को, हल्दी लगेली है दूल्हा पीला पीला है। एड़ी माँ का चांद बेटा सच के देखो, हल्दी लगा रहा। अरे भाई, अरे भाई दूल्हा इधर है। अरे इधर है, इधर इधर इधर। अरे ओ भाई क्या इज्जत के चार बार लगा रहे तूने, क्या अंधा बन के नावे धंधे उठा लिया? हा? चलो ले ओ बहन भाभी लेके जा इसको। जा रहा मैं। अरे बायन में कहा घुस रहा? अरे उधर कहा जा रहा बाया में, पहले ही एक काम था क्या, अब तेको भी संभालो। चल बैठो। पहले बोल रहा था मैं, मना कर रहा था, बोले मेरे भाई की हाथ की हल्दी रहेंगी, देख ले क्या कर रहा वो। उठना मत बेटा यहाँ से। सही करे तुमने, एकदम सही करे। हाँ कहा जा रहा यहाँ बैठ। अरे मैं भी बेल डाल के आता। तो जाऊ मत, बेल तेको डालने का है ना। हाँ। मेरे आंग पे डाल, निकालो बेल, सीधा यहाँ बैठ। उठा ना बेटा तो एक ही दूंगा फसली में तेरे। अच्छा नहीं डालता, फिर जाऊंगा ही नहीं। ओ बहन निस्तय मत करो, जल्दी जल्दी बेल डालो, हल्दी लगाओ। जल्दी जल्दी बेल डालो। ओए ओए तू का पहुंच रहा, वहां बैठ वहां बैठ। ले अपनी यार भाई, जाना जल्दी उठना। हां वही उठ बैठ कर रहा क्या, चल जल्दी। अरे डालना का साइकिल चाले कर रहा। हाँ? ले जो, जो, जो।
और 20 रुपया बस दे। रेंदो ना बड़े अब्बा, इतने भी कंजूस चाले मत करो। रेंदो? हाँ घुस घुस रहे, घुस आगे घुस जा। अरे रेंदे ना उधर जाना। ओए कैमरामैन चान नवाब इधर आ। आ दादा। अभी तो तूने घुसू घुसू कर लिया, कल बारात के टाइम कभी घुसा ना तो तेरा कैमरा अंतु गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दादा। दादा 1000 रुपए और दे दो ना एडवांस। वो सब पैसे जो है ना दुल्हन आने के बाद जब मैं कैसेट देखूंगा, मेरे को गाने अच्छे लगेंगे, जब देख के पैसे दूंगा मैं देखू। अभी पैसे उसे मंगना मत। हाँ ठीक है दादा, चल जा। ओ बुरिया, तेरे दोस्त को बुलाया ना, दोस्तों को उनके साथ क्या गाना बजाना है कर ले वो। चलो रे गाना लगाओ नाश्ते। गुल्या 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 की निकली बारात, ए गुल्या 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 की निकली बारात, गुल्या की धूम से निकली बारात, गुल्या की धूम से निकली बारात। दो हाथ के अब होंगे चार हाथ, दो हाथ के अब होंगे चार हाथ, ए गुल्या की धूम से निकली बारात। क्या बताना माँ तुमको, मेरे को बहुत भूख लगी हो। अरे बेन मुझे भी कब से भूख लगी, क्या कहूँ ते को, मेरे पेट में तो चूहा बिल्ला सारे लड़ाया कर रहे, पूरा गांव लड़ाया कर रहा। पर है ना मैं पूछ तो लूँ तेरी खाला से, कल खाने में क्या बनेगा। माँ पूछ तो। ओ बेन अपने यहाँ कल खाने में क्या बनने वाला है। ओ बहन कल का खाना तो ऐसा बनने वाला है ना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे उंगलियां। बिरयानी पकवाने वाली है कल मैं, वो भी सीमा मसाला डाल के। अरे अब तो मैं रात का खाना ही नहीं खाने की, मैं तो पेट धोके बैठूंगी बहन। क्या बताना खाला तुमको, मेरी मम्मी भी सीमा मसाला डाल के ही खाना बनाती। अरे मेरे घर में तो सीमा मसाले के अलावा खाना ही नहीं बनता। अरे मैंने तो समधी को भी बोल दिया, दहेज में बर्तन दो कम देना, लेकिन खाना सिर्फ सीमा मसाले का ही बनने होना। बिल्कुल सही बोला, 4 बर्तन कम मिलेगा ना चलेगा, पर मसाला सीमा मसाला होना खाने में। एक नंबर मसाला सीमा मसाला। रूठे हुओं को मनाया गया, बारात में सबको लाया गया। ओए इधर आ इधर आ। क्या रे ये कोई टाइम है क्या तेरा आने का, घड़ी देखता क्या नहीं, उठता तो क्या बस निकल जाता। एडवांस को तो बहुत घाई कर रहा था, सारी बारात सच के बैठी है, अनाब आ रहा क्या कैमरा लेके। क्या रे? अरे मामू तैयारी करने टाइम लगती। तो क्यों तेरा निका है क्या वहाँ गले में लटका के आगा? कैमरा ये कैमरा बोले कैमरा है, गले में बीड़ी का बंडल लटका लिया। चलो कर शूटिंग इनकी जल्दी। लाया क्या किसने बीड़ी का बंडल? अरे एक बीड़ी मेरे को भी पिला दो। अरे गुच्छू बैठ रहे, उधर जाकर बीड़ी पियो, मुझसे धुआं बर्दाश्त नहीं होता, एक तो मैं कल ही वैक्सीन लेकर आई हूँ। अरे बीड़ी नहीं पी रहा, मैं पूछ रहा बंडल लाए क्या। अभी भी खड़ा क्या बैल के गत? अरे चलना होना इधर, लेता हमारे फोटो गीटू। इस्माइल को रुखा नहीं दिए ला मैंने, इधर आ। कल ही मना करा था तेको के बाया में घुसू मत, और क्या इस्माइल लगा के रखा रहे तूने, मैंने कोई स्माइल को रुखा नहीं दिए लाए। अरे दादा फोटो निकाल रहा था उनका। तो हम नहीं दिख रहे तेको, ये बुर्गत के मुछड़े हमारे नहीं खींच रहा, उधर ही घुस रहा कह रहे, ये सब पोरे बैठे इनके फोटो काट पहले। चलो चलो उधर। ओ फोटो वाले, अरे इधर मेरा निकालना रे काम। अरे भाई अरे इधर है फोटो वाला, नहीं भी दिखता तेको तो बायन को ही देखते रहता। कहा है फोटो वाला, कहा है कहा है? ओ भाई अरे लकड़ी टोच रखे, उधर जाना। क्या
किसको किसको बुला लिया तूने भी अंदर धुंधो को साला है मेरा ये है क्या मतलब इधर बैठ रहे बैठे ऐसी भी अच्छा दिखता ना काहे के फोटो खिंचा रहे अच्छा फोटो निकालना है रे अरे अरे उधर कर रे भाई उधर करना पहले ही समझाया ना रे देखो क्यों पोरों के फोटो ले ओ बड़े भाई हाँ बोलना एक शेर बताऊँ क्या मैं तुमको हाँ तुम्हारे साले साप्पे से जरा गौर से सुना नौशाद 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 अरे नौशाद नहीं रे इरशाद बोलते रे उसको रे हाँ जो भी बोलते सही में धरती का बोझ है रे भाई तू पक्का धरती का बोझ है तू अब सुन तेरे पे से एक शेर बोल रही हाँ सुनो बड़े भाई अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी चश्मा लगा के देखा फतेहपुर की सूझी क्या बात है माँ बहुत सही शेर मारे तुमने मामू वही लाइक के क्या हो सुल्तान दादा अरे वो कब आ रही वो कौन रे अरे वो लग्जरी तो लग्जरी कहना टेकु बड़ी गई है जाने की वहाँ अरे वो कैसा है ना वहाँ है ना चार तरफ के चार भाई आएंगे इससे पूछ रहा मैं ऐसा अब समझा मैं ये खाल पते चाले क्यों कर रहा तू सुबह से तैयार हो के बैठा क्यों अब समझा मैं तेरी लाइन बेटा तू आना मत तू घर संभाल तू आविच मत शादी में क्या रे अभी तक बिसान फूक बैठा के यहाँ जाना ना धोना क्या भरोसे पे है सासर वाली में नहूंगा जानोसा देंगे वहाँ पानी गर्म मांगूंगा उनसे साबुन मांगूंगा उनका तुआल लूंगा बेटा दो महीने में एक ही बार नल आता हो गाँव में वो कैसे नहाते धोते बिचारे उनके जी से पूछो रे यही से निकल रहे क्या सारा गोंदल लेके के वहाँ नहाएंगे जानोसे में आ? अरे लोगों का सोचो रे उठ जल्दी जा नहा यही उठ और चल तू भी पोरी आ जाते शादिया में छोड़ देते बच्चे पोरी को क्या कबाड़ में रख के आना क्या गल्ले से बांध लेना तेरे सीधा भी बोल सकते थे इतनी कटकट करके अकालते रहते निस्ते क्यों जी कितने टाइम हो गया कुछ नाश्ते बिश्ते का बंदोबस्त करते कि नहीं पिछले टाइम भी मेरा बेटा भूखा रह गया था नाश्ता बिश्ता मंगाओ चलो जल्दी से भूख लग रही है यहाँ पर देखो माँ मुझे भूख से कहीं चक्कर आ रहे अरे चक्कर आ रहे है कि तेरे आंग में भगत आ रहे अच्छा गरा गरा घूम रहा देखो माँ कैसे मार रहे छोटा है ना पी चक्कर नहीं आएंगे क्या भूख नहीं लगी क्या उसको अब मंगाते कुछ नाश्ते बिस्ता मंगाते क्या जल्दी मंगाओ इनको नाश्ते पानी ए, जा घर में से नाश्ता ला करा सबको नाश्ता ओ भाई तो पूरे छह पाव दे मेरे को काहे की छह पाव ढूंढ रहा ये बोरिया एक पाव दिया ना आधी तोड़ ले उसमें से भी मारे भाई वो एक ही पाव दे दे क्या रे भाई बजी है क्या साथ में कड़ी भी ला ले क्या मिर्चे भी है हम कड़ी भी आ रही किसान को आए क्या रे बारात में एक अभी नारियल चुप्पे खाना अरे किसको किसको बुला लिया भाई तूने शादी में हा? क्या क्या मांग रहा वो कड़ी हरे मिर्चा चावल जैसा वहाँ खाएंगे नहीं साले लावरे नाश्ता ला रहे के नहीं अभी तक तुम आंधे हो तो सारा गांव आंधा है क्या आ रहा है ना नाश्ता दे रे पोरिया इनको भी दे लाओ अरे इधर हो इधर अरे यहाँ बैठो ना और कुछ है क्या ये यहाँ पे यहाँ खा ले बीदागिरी तक के वहाँ खाना मत मांगना दादा मीठा नहीं है क्या कुछ हम मीठा भी लाओ कह रहे तेरे वास्ते खा कुछ चुप दे उसको मीठा भी ला के दे जल्दी जल्दी खा भाई गाड़ी आ गई निकलने का अपनों को निस्ताया मत करो यहाँ पे क्या माँ मेरी बिंदी तूने लगा ली मैं वही कपाट में ढूंढ रही थी ना जानते हो बेटा कभी कभी लगा लिन दिया करना माखू भी पाव है क्या ओ पोरिया पाव दे दे पोरी को जा बेन
भजिए तो बड़े मजे के लग रहे हैं, एक आधी पूड़ा और देती क्या? अरे भजिए तो मजे के लगेंगे ही ना, सीमा मसाला डाल के बना ले। ऐसा? अरे पाव में भी सीमा मसाला डाले ले। अरे जुट्टे चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो, गाड़ी की आवाज भी आ गई, निकलने का अपनों को। हमारा हो गया, इनको बोलो इनका बाकी है। बसो जी भाभी, झगड़े के मूड में रहते क्या? गुल्या 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 की निकली बारात, ए गुल्या 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 की निकली बारात। अरे अभी आ गए क्या टेमो टेम मंडवा खोलने? अरे अभी बारात नहीं निकली, जब से मंडवा खोल ले रहे करे तू, टाइमिंग बता रहे थे मेरे को तो। बारात तुम रात को 12 बजे निकाले थे, 12 बजे आएंगे हम? एक दिन का ऑर्डर था, एक दिन पूरा हो गया ना तुम्हारा, अब हम मंडप खोल के लेके जा रहे हैं, हमारे को आगे भी मंडप बांधने का है। ओ भाई इतने तन के बताओ मत, और इतना इतरो भी मत, ये सड़ेल चिंदड़ो पे इतरा रह गए तू। चलो पैसे निकालो तो पहले तुम। पैसे तेरे मालक को दे दिए है? सही में दे दिए ले? अरे सही बोल रहे ना रे, न तो दे ही दूंगा एक हाथ फटका मैं, मेरी गनगन में बोरे की बारात की गनगन है, भिड़ू ना को तुम ऐसे, सिर्फ बोरे की नीचे खानी हो दे, आगे ते को बताऊंगा मैं, अभी तो तुम्हें को एक लफ्ज जो बोलू ना को। ऐसा ही करते तुम लोग। अरे भूखा चल गया लग्जरी का ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके। दूल्हे कबाब कौन है रे? अरे मैं वो ड्राइवर का पूछ रहा, गाड़ी वाले का कहा गया वो? दूल्हे कबाब कौन है रे? मैं है ना रे, मजा ले रहा क्या मेरी? मैं है ना दूल्हे कबाब? अरे मैंने आवाज दिया। कौन है रे? अरे किसके पास यू के नीचे आ जाएगा ना, कौन है तू? अरे लग्जरी का ड्राइवर है मैं, बहुत लंबी लंबी लाइन पे चलता, मिस्टर लग्जरी के स्क्रीन पे हाथ रख दिया ना, उसकी उसकी चलती हो। उसकी उसकी चलती? अरे बरोबर चलाएगा कि एक हाथ गड्ढे में ले आके डाल देगा? ज्यादा रिकामे बात मत करो, एक बात सुन लो, उल्टा करने वालों को बैठाऊंगा नहीं मैं। दूसरी बात सुन लो, किसको आग ना लगो के मुझ ना लगो, रास्ते में लग्जरी रोकूंगा नहीं मैं। और एक बात सुन लो मेरी, आगे बुढ़े बाड्ढे को बैठाना मत, बाहर होंगे ना तो चलेगा। ऐसा? अरे दबेल चीकू, रास्ते में तू कुछ कर, देखता फिर मैं देखो। अंडा विंडा लाए क्या तुमने? अंडा तो क्या तल के खाएंगे के रे? घर से नाश्ता नहीं करके आया क्या? अरे गाड़ी के टायर के नीचे रखने का रहता। तो तू ही आ जाना टायर के नीचे। बस निकालो बरातियों को, फटाफट निकलो चलो। अरे इतने से अंडे को कैसे क्या भेज दिया यार मालक ने। चलो चलते क्या, हुई क्या तैयारी? ये लग गए लाली पाउडर में, अब टेम कितना हो रहा? बापरे इधर आ, ऐसा कर रहा क्या है? ऐसा कर रहा, फटाका बोल रहा क्या? क्यों लगाया फटाका मेरे पीछे? क्यों लगाया रे? क्यों लगाया? सीधा रहो, सीधा खड़े रहो, मैं तो बेटा तोली डालूंगा, खड़ा खड़ा हो सीधा। तुमने बोला तेरे को सही बोल। अरे वो बच्चू ने कहा था तो मैंने फोड़ दिया। वो तो लगे नहीं है हमारे घर का खराबा करने, दादा नहीं मान रहा था उसको मना के लाया मैंने, तू उसकी सुन के फटाकड़ा लगाना कभी ना। पूरी बारात में बेटा एक भी फटाकड़ा फूटा तो मैं तेरे को फोड़ डालूंगा, चल निकल निकल। चलो रे भाई जल्दी जल्दी, तो यही शाम कर देंगे। कहा गाड़ी का है? का है गाड़ी? अरे वहा है ना, चलो ना। गाड़ी का है? का है गाड़ी? गाड़ी का है? का है गाड़ी? का है? कहाँ जा रहे हो? है? इधर है गाड़ी, इधर। इधर है क्या? दिख गई गाड़ी। अरे ओ माउली, अरे उतार उसको नीचे, गाड़ी से काट फोड़ डालेंगे ना, भर के लूंगा भला मैं। क्या करूँ मैं इस आदमी का, अरे ऊपर कहाँ चढ़ रहे हो? है? उधर है गाड़ी, चलो उधर। अरे उधर का तरफ रहा, उधर है ना दरवाजा, उधर जा। हाँ वो दरवाजा उधर है। चलो रे जल्दी करो ना, चलो। क्या
तेरा तेरा इतना तो फिरेंगे क्या? बुलाता हूँ उनको जल्दी। ओए चिपड़े जरा सीधा रहो है, मैं मेरे मेरे टेंशन में बेटा। इतना बड़ा मुंह वासरा क्या, पाँव के नीचे चेचरेच कर डालूंगा। देख रहे भाई, ज्यादा अगर टाइम लगा ना तो डबल पैसे लूंगा मैं। मेको है ना रात को बम्बई जाने का है। प्यारे भाई वो अंडा लाए थे तूने? और क्या क्या लगेगा वो भी बोल दे। नींबू भी लगेगा। काय के वास्ते? अरे टायर के नीचे रखने का रहता। ऐसा? ओए पोरन इधर आओ रे। क्या बोले खालू? देख भाई देखो अंडा नींबू लग रहे थे ना। ये है दगड़ नींबू, इसको वो टायर के नीचे डाल। अब तू इधर आ, अंडा भी लग रहा ना देखो। हाँ इसको ये टायर के नीचे डाल, इसको तो पहले डाल तू। चलो निकलती क्या, अन भैया और भाभी को भी ला। लगे रहते हो झगड़े के मूड में, जगह नहीं मिलेगी। लगाएंगे मेरे पीछे की चैन, आगे बिठा दिए पीछे बिठा दिए, अन फिर होंगे झगड़े। बुलाओ उनको। क्या रे बैठा क्या बरोबर? Oh no! क्या रे यहाँ से भी थूक रहा क्या? मैंने थूका क्या? ऊपर ऊपर वाले ने थूका ना। क्या रे कौन है रे ऊपर? आ रहा नीचे क्या माया ऊपर? अरे चीचे माये। ऐसा तू है क्या बेटा? नीचे उतर उतर। अरे नीचे आ रहे उतर रहा नीचे क्या ऊपर? नीचे आ जाने चला चल उतर चल बैठना। बहुत उपगाने लगाए। अरे दादा अरे चलता क्या भाई? अरे क्या टाइम हो रहा? अरे निकलता क्या तू? आ रहे ना इतनी क्या गई कर रहे? आ रहे ना मैं बाल बना रही थी ना। देखो जी थैली में मेरे कपड़े और मेकअप का सामान है, कहीं जाना नहीं होना। यानी मैं तेरा थैला संभालना क्या? फिर क्या हुआ इसके आस्ते आए लगे मैं क्या? ये मेकअप कर करके सारा मुंह खराब कर लेना तूने। अरे ये मेकअप के वास्ते तो तुम मेरे पीछे पड़े थे। मैं तेरे पीछे पड़ा था? हाँ। अरे तेरे माँ बाप ने बहुत बड़ा चकमा दिया ले मेरे को। हाँ ये नोकिया का मोबाइल देकर चाइना का पिना दिया ले मुझे। क्या दिखती भी वो चाइना की बिल्ली? अरे मैं चाइना की बिल्ली तो तुम भी तो नेपाल की बिल्ली दिखते ना। जल्दी करनी तू चलना सीधा। आओ क्या जाऊ? चल चलना अब चलना चल चलना भाई। दादा 12 बज गए ना। 12 बज रहे? हाँ। तुमको गाड़ियाँ दिखा रहा क्या कि हमने कभी गाड़ी देखे नहीं? अरे गन कार करके बैठे हम। तीन तीन कार कर रहा है मैंने, बताओ इसको। तुम ही कार कर रहे क्या? हाँ। नहीं कार। अरे जान दो ना भाभी क्या तक तक कर रहे। जगह है ना गाड़ी में? है ना भाई जगह है क्या? नहीं जगह का इट्टी से आ जाओ। इट्टी उट्टी से मत आओ। बोलो जी भाभी। चलो जी चल जगह रहने होना है। है ना भाई चलना तू। चल तेरा आसो बाटा चल के चल। चले भाई दादा को दे तो आगे की सीट। चलो जी भाभी आओ चलना हो। ए मावली चलती क्या? यही शाम कर दे रही। पोरिया भी नहीं दिख रहा मेरा। क्या हो आगे ये सब बाया हो गया? आगे के बाया? अरे तू तो आयुष्मान, तू इस्ती का भाड़ा ले और इस्ती से आ। ओ बड़े भाई मैं ना हो मैं इनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। मैं ना इनको छिचोरे चाले से बचाऊंगी। तुम बेफिकर रहो। तेरे भरोसे पे चढ़न दे रहा उसको गाड़ी में, समझ ले। वहाँ पे अगर लड़की वालों के वहाँ इन्हें कुछ भी करा उल्टा सीधा तो समझ ले इसका क्या करने वाला है मैं। जा रे अंदर। अरे मैं कोई भी कोने में बैठ जाऊंगा। आ जा चलो। पहले ही मना करा था ना मैंने, इधर उधर जाना मत। चलो बैठो गाड़ी में चलो। अरे भाई अरे चाय पानी को नाश्ते को देता कुछ? नाश्ता नहीं करके आया था क्या घर से? तूने इतने सुबह में फोन कर दिया वैसे चले आया मैं। चलो चलती क्या, वो पोरिया को भी लाना। सब बैठ गए तू ही रह जा यार। शूटिंग वाले का ना कुछ करना ही पड़ेगा। आया जब से ना निस्ते भाया के फोटो खींच रहा, आज उसकी दुर्बिनी फोड़ता मैं।
गुलिया की धूम से निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात। बंद करो कैमरा। अरे दादा एंट्री ले रहे हम लोग की। कोई एंट्री सेंट्री नहीं, बंद करो। चल निकल निकल बैठ गाड़ी में। अन क्या हो, इतना मेकअप कर ली क्या? तेरा निकल है क्या वहाँ पे? अन क्या रे, काय के निस्ताया कर रहा था तू? बाबा आज जरा हिसाब में आ, देख लेना नवी कटे रे धार मार के लाए ले, एकदम बोल दे रहा पहले ही। बेटा धमकिया मत दे मेरे को, मैं तो शादी की जगह शादी रह जाएंगी। सो जी बस करो ना, आज के दिन भी चालू चेके तुम्हारा, इसके पीछे पड़, उसके पीछे पड़, उसके पीछे पड़, बंद होते नहीं के तुम, चलो सीधा आगे। और एक बात तो तुमको मैं अच्छे से समझा रही, समझ लो एकदम, तुम्हारा टाचा बंद रखना आज के दिन तुम। हाँ और मेरे बच्चे के पीछे तो पढ़ना ही मत, चलो सीधा आगे चलो। अरे बंद करना, बंद कर, चल अंदर, चलो रे। हाथ के अब होंगे चार हाथ, दो हाथ के अब होंगे चार। चलो ड्राइवर। अरे नाश्ते भी तो पैसे दो, नाश्ता करके आता मैं। नाश्ते को रास्ते में होटल है, कर लेना, है कितना बड़ा पेट तेरा। चल तुम से निकली बारात। क्या रे भाई, वे सब बैठ गए ना? हाँ सब बैठ गए। कोई बचा तो नहीं ना? नहीं। हाँ ना तो ये बाकी है, वो बाकी, आधे रास्ते में रोक गाड़ी तू। नहीं नहीं सब हो गए। हाँ क्या जी भाई? ओ बड़े भाई क्या होगा, गाड़ी निकालो ना। काय कोई गर्मी हो रही तो घर को ही रहना था ना, आई तो ही अकेली आना था, ये वचके को भी लाई क्या? अरे तो क्या उनको ताक में बिठा के आती? अब घर को मुर्गिया बकरिया संभालता ना वो, यानी सब आया को देखते बैठा है वो। अरे वहाँ भी छोड़ती तो तुमको नहीं मालूम, आजू बाजू के बाया को टापते फिरते। क्या गरम हो रहा? Oh no! अरे तुम्हारी औरत उधर है ना? क्या बैठना रे? अजी सुनते हो? क्या है? कैसे कर रहे मुझे? क्या है, कौन है उधर, क्या हुआ, कौन है रे? आओ क्या उधर? कोई नहीं है दादा, चल। ओ, अरे क्या सो रहा तू भी, चल ना कल गाड़ी चालू। क्या रे भाई तोड़ने गए छड़? अरे छड़ नहीं है दादा, वो गेर डंडा है। गेर डंडा है? इतना बड़ा डंडा? अबे तेरी हाइट से बड़ा डंडा दिख रहा। अरे तो फिर क्या हुआ? क्या भेज दिया तेरे को मालक ने इतने से को? पिलर आसन कहाँ लगे तेरे पास? आधी बगार लेता हूँ तू। चलो रे गुच्छू बटोरे सब चालू कर रहे ना, मैं टेप भी। हाय हाय क्या हो चचा, बोलते क्या उनको को? अरे तो तू भी टेप उप चालू करना है क्या, सो के वास्ते रखे लगे साहब? अरे आना तो चालू कर रहे ना, ये लो। गुलिया 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 की निकली बारात, ए गुलिया 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 की निकली। अरे गाड़ी संभाल रे, डाल देना गड्ढे गिड्ढे में। अरे तूने बैठा रहे बुड्ढे को आगे, लेके जा इसको पीछे। घर में फ्रिज में सोता क्या तू? क्यों? अरे इतना डर गए ले तू, इसके हाथ पूछ रहा मैं। अब होंगे चार हाथ, गुलिया की धूम से निकली बारात। क्या रे सीधा बैठना, बर्दाश्त की भी हद हो गई, गुटके खा के मेरे ऊपर ठोकरा, बर्दाश्त की हद खलास कर दिया तुमने। किसकी शादी है ये? आए, तेरे चीचा के पोरिया की शादी है ना, तेरे घर की शादी है ना, तो काय को कर रही है ऐसे मेरे को छेड़े दे रहा? अरे मुंह बंद करना, माँ मम्मी चिल्लाना, हम भाई भाई में तमाशे कराएंगे। कुछ नहीं जी भाभी कुछ नहीं, खेल रहा मैं पोरिया से। सीधा बैठा हाँ बेटा, क्या क्या ये? अरे
मैंने लेकर आओ कालो, ये इतने गला मोटू ने चेहरे इतना बड़ा चड्डा पहन के आया, कैरी बैग नहीं बांधे गई थे कुछ नहीं बर्दाश्त होगा कुछ क्यों आया रे? लोगों की गाड़ी है ना वो लग्जरी उस पे कर रहे। अबे जब से आए बरात में जब से सता रहे ना, सीधा बैठ और अभी होटल पे गाड़ी रुकेंगी, बांध लेना है वो। क्या बांधने का कालू? केरी बे बांध लूंगा ना। सीधा बैठ। वो चलो बहुत ही बनाना लगा है। अरे बापरे, अच्छा अरे भाई एक ही पोरिया था, 10-12 रहते तो कहीं मेरा ना जनाजा उठ जाता। गाड़ी सीधी चला रे, ओ प्लास्टिक के गुड्डे, सीधी चला गाड़ी, गड्ढे कुदाना मत बेटा, दमोदम पहले ही होगा मैं। गुलिया 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 की निकली बारात, ए गुलिया 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 की निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात, दो हाथ थे अब होंगे चार। क्या रे? ए, क्या है यहाँ खड़ा? क्या चल रहे हो? गाड़ी रोक दो। क्या रे भाई, पहले ही बोला था ना पेशाब पानी को रास्ते में गाड़ी रोकूंगा नहीं मैं। चल निकल बाहर, रोक रे गाड़ी, गाड़ी रोक। क्या रे, क्या लगाया तुमने? अरे भाई बच्चे तो बच्चे, ये भी निश्ता में कुछ सता रहा, सोहेल भाई को देखते खड़ा था वो। तुमने भी तो किधर किधर के जमा करके लाया ना। चल उतर तो भाई। उतर, चल जा। उसको पाव पाव बेटा, किसी के काम का था तू, पहले ही मना कर रहा था मैं। गुलिया की है ये अनोखी बारात, खानदेश चली बाजे गाजे के साथ। अरे गुलिया की है ये अनोखी बारात, खानदेश चली गाजे। ओ ड्राइवर, अरे एक आज होटल देख के गाड़ी रोक दे। अरे हाँ तो आज होटल आ रही ना, रुको ना। बाजे बाजे के साथ बारात का है चर्चा बहुत, ये बात अलग के खर्चा बहुत, नई जिंदगी की नई शुरुआत। गुलिया तो अगर आपको हमारी ये वेब सीरीज पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट लिखिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुलिया 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 की निकली बारात, ए गुलिया 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 की निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात, दो हाथ थे अब होंगे चार हाथ, दो हाथ के अब होंगे चार हाथ, ए गुलिया की धूम से निकली बारात। मनाया गया बारात में सबको लाया गया। गुलिया 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 की निकली बारात, ए गुलिया 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 की निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात, गुलिया की धूम से निकली बारात, दो हाथ थे अब होंगे चार हाथ।